आपकी जो शादी है ये रेंज ही अलाम है। आपको क्या लगता है पहले आप बताएं। डॉक्टर फान जो है वो मैं इनके काफी जो है वो इनके दलक जानता हूँ, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि रोमांटिक भी है और मुझे लव मैरिज लगती है। मुझे नहीं पता कि ये लव है या नहीं, ये टोटली अरेंज मैरिज थी। टोटली अरेंज मैरिज थी, हम एक दूसरे को फर्स्ट टाइम ड्राइंग रूम में देखा। इसका मतलब रेंज बाद में लव बन गया। डेफिनेटली डेफिनेटली सही बात बता रहे हैं, ये लव थी या रेंज थी? नहीं, ये टोटली अरेंज थी। मैं आज आपको बताता हूँ, मैं कैमरे पे डॉक्टर और रेंज करे नहीं, मैंने कोशिश पूरी की कि अरेंज ना हो। ये बात नहीं थी कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। अगर वो कामयाब हो जाती तो शायद मुझे मोहब्बत का जो हकीकी मतलब है ना वो समझना। तो मोहब्बत, वो कहते हैं मर्द जब मोहब्बत करता है ना तो इज्जत करता है, और शादी से पहले बहुत सारे लोगों को होता है कि बीवी खुद ढूंढ लें, अफेयर्स चला लें, मोबाइल फोन्स, और ये जितनी नौजवान नस्ल मुझे देख रही है ना, मैं इनको बताऊंगा। और मैं, मेरी बेगम सामने बैठी है, मैं ओपनली कह रहा हूँ मैं इनसे डिफरेंट नहीं था। मैंने सारी हरकतें मेडिकल कॉलेज में की जो लड़के, क्योंकि आपका कॉलेज भी एक नहीं है। हमारा कॉलेज एक नहीं है, ये शहर एक नहीं है। शी इज फ्रॉम इस्लामाबाद, आई एम फ्रॉम बहावलपुर, और स्पेशलाइजेशन भी एक नहीं है। हाँ, वो रेडियोलॉजिस्ट है। ये रेडियोलॉजिस्ट है, इन्होंने आपको रिपोर्ट करके देनी है, आपने तशखीस करनी है, तशखीस उसके ऊपर करके आपने ऑपरेशन करना। बिल्कुल, तो बड़ा डिफरेंट है, दोनों शोबे जो है बड़े डिफरेंट। तो इसलिए दूर दूर तक भी नहीं था। तो उसमें ये हुआ कि हमारा जो था ना एक म्यूचुअल फैमिली फ्रेंड थे, उनके थ्रू हम मिले, और लिटरली जब इनके घर हम जा रहे थे, मेरा सुबह शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद का रेजिडेंसी टेस्ट था। यहाँ पर रुके, मैंने ये पूछना कि पहली दफा जो आप अभी टेस्ट बता रहे, पहली दफा डॉक्टर नाजिश को आप कहाँ पे मिले थे? इनके फैमिली के साथ जाके या अकेले? नहीं, फैमिली के साथ गया था, और इनकी बड़ी बहन लंदन में होती है, डेंटिस्ट है, वो मेरे सामने आके, पहले जब मदर और मैं गए थे तो आप फैमिली के साथ गए? हाँ, मदर और मैं गए थे, वो सामने आके बैठी, मैं समझा लड़की ये है। उसने जब मुझे भाई भाई कहना शुरू किया, मैंने कहा यार ये सही रिश्ता होने लगा मेरा। तीन दफा मुझे भाई कहा, मैंने कहा ये फिर महविश नाम है उनका। तो शी इज अ डेंटिस्ट और बड़ी जबरदस्त काम कर रही है, उनके मियाँ भी सर्जन है, यूके में होते हैं दोनों। तो उसने जब मुझे भाई भाई थी, तीन चार दफा मैंने कहा, मैंने अम्मी की तरफ देखा, मैंने कहा ये सही रिश्ता करा। तो फिर मुझे बात क्या नहीं चलो नहीं मैं नहीं क्या चलो, क्योंकि ये दोनों बहनें माशाल्लाह खुश खुश शक्ल थी, तो मैं बिल्कुल नहीं क्या चलो। लेकिन मैंने कहा फिर जब नाजिश आई, तो नाजिश ने मतलब लव एट फर्स्ट साइट, अगर मतलब अरेंज मैरिज पे भी हो सकता है, तो ये था जब ये एंटर हुई। मुझे आज भी वो पहली लुक याद है जब मैंने पहली दफा इसे देखा। जबरदस्त। तो पहली मुलाकात में तो पेरेंट्स के साथ, उसके बाद कोई शादी से पहले या एंगेजमेंट से पहले मुलाकात तो ही होगी। यहाँ आपको मैं हैरान कौन बात बताता हूं। वो इसकी तरफ से थी, इसने वहां बैठे बैठे मेरी अम्मी और अपनी अम्मी के सामने और अबू के सामने ये बात कही कि शादी से पहले आई वॉन्ट टू सिट विद हिम फॉर 1 आवर, और मैं 1 घंटा अकेले इससे बात करूंगी, ताकि मेरी ना शुरू से ट्रेनिंग बड़ी सख्त किस्म की रही है। मतलब एक होता है ना बाहर निकल के मिलने का तो सीन ही नहीं था, और ना ही हमारे निकाह के बाद हम कभी बाहर मिल सके। मतलब मेरे घर का माहौल बहुत इस टाइप का था, सख्ती थी, तो है अभी भी, खैर ऐसे ही अभी भी स्टाइल अभी भी हमारा भी ऐसे ही है। उसमें ये था, मुझे पता था कि मैंने तो बात करने का मौका मिलना नहीं, जिससे मैंने ज़िंदगी भर गुजारनी है, क्या मेरी उसकी सेटिंग है कि नहीं, क्या मैं उससे 2 मिनट बैठ के बात कर भी सकती हूँ कि नहीं, क्या वो खुश मिजाज है, क्या वो मेरे ड्रीम्स समझेगा, और उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या उसको पता है। तो बस फिर हमने बातचीत शुरू की। वो मैंने पेरेंट्स को पहले कहा था, आप लोगों को मैंने छोड़ा है, आप पसंद करें, लेकिन कुछ राइट मेरा भी है। बड़ी बात ये मेरा है, राइट भी है। आपकी फैमिली का माहौल बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि आपने वहां पर कह दिया कि जी मैं एक अलग से, बिल्कुल नहीं, वो चीजें उन्होंने मुझे शुरू से कहा, बिल्कुल नहीं, वो तो देखे, वो माँ बाप ने मुझे शुरू से कहा आपको कोई पसंद है तो बाहर जाके गलत काम नहीं करें, हमें बताओ आपने लड़का पसंद किया, हम फैमिली देख के, क्योंकि फैमिली सारा देख के शादी करेंगे। मैंने कहा नहीं, वो पसंद है तो बता दूंगी, आप ढूंढने, मुझे आप पे पूरा एतबार है, आप ढूंढने। खैर माशाल्लाह नो डाउट एतबार था, बहुत अच्छा रिश्ता है और बहुत अच्छा चल रहा है अभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो देखे, वो तो
वो तो शायरी हमारे लगाते रहते हैं ऐसे। हम ये समझ लेते हैं कि शायद इनके साथ भी मसला बन गया। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हमारी पूरी टीम होती है, हमारे पूरे डे की पूरे महीने की पोस्ट डिफाइन हुई होती है। एक्चुअली इसके साथ जो अटैच है ना, उसके साथ बड़े मसले बनते हैं। वो पोस्टें लगा रही होती है, वो आ हम पे जाती है। वो ये समझते ना वो लोग, नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्टर फान से कोई मसला तो नहीं बना। वो एग्जैक्टली माशाल्लाह अच्छे खासे। अच्छा भाभी ये बताइए कि डॉक्टर फान कैसर की तलक, मैं जो जानता हूँ कि इनके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर थे और इनका अक्सर मैंने इंटरव्यू सुना कि इनको उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि एक ऐसी फैमिली में पैदा हो गए कि दोनों माशाल्लाह पेरेंट्स, दोनों वालिद और वालिदा डॉक्टर थे। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स भी, आपकी सिस्टर का तो पता लगा कि वो डॉक्टर थी। टोटली नॉन डॉक्टर फैमिली, टोटली नॉन डॉक्टर फैमिली। फादर बिजनेसमैन है, मदर हाउसमेकर है, सोशल वर्कर है। बहन मेरी एक बड़ी है, वो डेंटिस्ट है, वो यूके में होती है। उनके हस्बैंड भी सर्जन है, वो भी यूके में होते हैं। इसके अलावा मैं हूँ सेकंड स्टेप, वो आपको पता है। फिर मेरा छोटा भाई है जो कि पायलट है। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा आपने जो प्रोफेशन चूज किया था डॉक्टरी लाइन में आने का, तो ये आपका एक प्लान था या कि बाय चांस आ गया? नहीं, वो तो एक मैं तो कहूँगी जो बड़े खूबसूरत तरीके से माँ बाप ब्रेन वॉशिंग करते हैं ना, कि हमारी मेरी मेरी कज़न है जो बहुत मेरी बहनों की तरह है, डॉक्टर निदा, डर्मेटोलॉजिस्ट है, माशाल्लाह सब मेरे इंटरव्यूज होते रहते हैं। वो हमसे बड़ी थी और हमारे पूरे इस्लामाबाद में एक ही कज़न थी और वो डॉक्टर बन रही थी। हमारा उनसे तकरीबन 6-7 साल का एज गैप भी है। हम सिर्फ उनसे, मैं और मेरी बहन उनके हम बेस्ट फ्रेंड थे। हम जाते थे, हमें हड्डियाँ दिखाती थी, बोन्स दिखाती थी, और मेरे माँ बाप बड़े खुश होते थे, कहते अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें देखो। कहते मामा हमने भी डॉक्टर बनना है, हमने भी पढ़ना है। चलो मेडिकल कॉलेज की मजे मजे की बातें बताती थी, गॉसिप्स बताती थी, हमने कहा हमने भी डॉक्टर ही बनना है। तो हम, मैं और मेरी सिस्टर इस तरह इंस्पायर हुए और हमने फिर शौक में पढ़ा। वेलकम बैक टू द शो नाजिन। मजे मजे की ईद और मजे मजे के खाने आज आप खाएं। आज के दिन जो है वो डॉक्टर फान कैसर और डॉक्टर नाजिन शफान आपको नहीं रोकेंगे, मेरे साथ मौजूद है। एक दिन तो चीट डे होता है डॉक्टर साहब, आज चीट मील, नॉट डे, चीट चीट मील, यानी ये हाँ मील, डे नहीं, डे नहीं मनाना। इतनी सख्ती डॉक्टर साहब? नहीं सख्ती नहीं, लोगों भी आप यही करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना इन्नी मोहब्बता ना पा मतलब ईद का दिन जरूर है। इन्नी मोहब्बता ना पा है, जरा थोड़ी बैकग्राउंड दसो। देखो एक तो मैं थोड़े तो इंप्रेस हाँ कि तुसी माशाल्लाह वो सारा हेल्दी पैटर्न आपने अपने पॉडकास्ट में भी बताया कि भाई वो सारी वीडियोस आपने फॉलो की। माशाल्लाह आपकी 9 से ऊपर HbA1c थी, आप 4-5 के दरमियान ले आए, इतनी आपने फिटनेस अचीव की, 10 किलो से ज्यादा वजन लूज किया और जिंदगी की तरफ वापस आ गए। मैं आपको कहता हूँ उसने ना तेल बहुत ज्यादा गंदा डालना शुरू कर दिया और ऊपर से तेल डाली जाता था कनस्तर। मैंने जब इसकी वीडियोस देखी मैंने कहा यार ये तो लोगों को दिल के अस्पताल पहुंचा रहा है, जहर डाल। मतलब एक डिश जो नॉर्मल बनती थी इससे घरों में भी ये गंद शुरू हो गया कि वो लोग माओ से जा जाके मांगना शुरू हो गए कि ओवरलोडेड फ्राइज, मायोनीज। मतलब ये शशका नहीं है, ये एक्स्ट्रा कैलोरीज है, आपसे ज्यादा किसको पता है ये बात। आपने तो जिंदगी अपनी वापस लाए। तो मुझे इस पे गुस्सा बढ़ा है। मैंने एक दिन सुबह के टाइम ना ऐसे वीलॉग बनाया और मैंने कहा कि जीला एक नशा है और ये नशा जहर है, ठीक है। मैंने वो वीलॉग हो गया, वो वीलॉग मिलियंस पे चला गया, टिकटॉक पे भी और उस पे भी।